अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करने के बाद हम लोगों ने नहाया, नहा के हम लोग वापस जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बहुत भूख लगी है। चिकन पीरी पीरी अहमद भाई, चिकन पीरी पीरी क्या खाएंगे अभी? चिकन पीरी पीरी अल्बुफेरा का जो फेमस बीच है, फिर हम उधर जाएंगे। सही है। अभी इस वाले पॉइंट पे ड्रोन उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सीगल बहुत ज़्यादा थे तो ड्रोन वहाँ पे उन्होंने उड़ाने नहीं दिया। हम लोग एक और स्पॉट देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी उस कोस्ट लाइन पे जाना है। कौन सी वाली कोस्ट लाइन पे जाना हमने? जो उस साइड पे पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे सामने एक पहाड़ी है, उस तरफ चलते हैं। वहाँ से जो है वो कोशिश करते हैं ड्रोन उड़ाने की, क्योंकि यहाँ पे परिंदे कम है। सामने पहाड़ी के ऊपर 3 सीगल बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ड्रोन उड़ाने नहीं दिया। तो एक और जगह से ट्राई करता हूँ, वहाँ से अगर कुछ चांस बना तो ऊपर से जो है वो व्यू देखते हैं। बहुत खूबसूरत है ऊपर से। हम लोग वहाँ से बीच के बाद इधर खाना खाने के लिए आए हैं रॉबर्टोस पीरी पीरी के अंदर। तो इधर जाके देखते हैं कि क्या क्या आइटम है इनके पास मौजूद है। क्या मंगा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सो वी आर हियर। चिकन को जो है वो मसाला लगा के ग्रिल के ऊपर पकाते हैं। इतना मसाला तो खैर नहीं है जितना पाकिस्तान में होता है, लेकिन फिर भी मज़ेदार है काफ़ी। आगे रिव्यू देंगे मंसूर भाई आपको। मंसूर भाई खा रहे हैं, खाना बहुत ज़बरदस्त है। वो इस वक्त भूख बहुत लग रही है। जोर से ना यार, अभी हम अभी हम लोग अल्बुफेरा के ओल्ड टाउन में आपको दिखाते हैं। ये ओल्ड टाउन है अल्बुफेरा का, बीच आपको दिखाते हैं। बीच ये है और ये पीछे आ गया बीच। ठीक है, और ये रास्ता जाता है सारा ओल्ड टाउन पे। पहले मछेरे जो आते थे वो सारे यहीं रुकते थे, और फिर यहाँ से सीधा निकल जाता था ये पतली गली में। गार बनाना ऐसा ही ओल्ड टाउन दिखाते हैं। अगर सिक्का फेंकेंगे एक यूरो का, हाँ, फिर साइड से नीचे जाएंगे तो आपको 2 यूरो मिलेंगे। दो यूरो मिलेंगे फेंको, एक के दो हो जाएंगे। आपको बोला 2 मिलेंगे, 2 थप्पड़।
ये कौन है? स्कल्पचर है, ये अल्बुफेरा का सेंट है ये, और इनके नाम पे जो है वो पूरा शहर है। और ये जो स्कल्पचर है वास्को डे कुंतिकाओ ने बनाया था 1967 में। अच्छा, जबरदस्त। और ये इन्हीं के शहर पे, तो इसके इसके बाबे के नाम पे जो है वो इस शहर का नाम रखा है अल्बुफेरा 1967 के अंदर। लेकिन ये जो है स्कल्पचर है ये बना था। तो ये नीचे इसके आग क्यों लगी हुई है? लकड़ी क्यों पकड़ी हुई इसने? ये वाली लकड़ी? हाँ, ये अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलो ये भी तुम पढ़ के बताना घर जाके। आ जाओ चलते हैं आगे, आगे आपको शहर दिखाता हूं। शहर में असली चीज है। फुल मून हो रहा है आज, अमावस की रात है। आपको नीचे दिखाते हैं नीचे क्या चल रहा है, लोगों के जीने नाए में होते हैं। Portugal from Albufeira and कल हम लोगों ने ओल्ड टाउन विजिट करा और न्यू टाउन। उसके बाद हम काफ़ी देर हो गई थी, थके हुए थे, आके फिर हम सो गए थे। आज फिर से जो है वो सुबह उठते हैं। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने। क्या नाम है उस जगह का? उसका नाम है बनी इंसान मरो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर बेनागिल के केव्स एक्सप्लोर करने के लिए। चलते हैं फिर, पहुंच के आपको अपडेट देते हैं उसके ऊपर, ठीक है? कटी पहाड़ी है सामने कटी पहाड़ी है, लेकिन ये बिना जेल का नाम है। गाड़ियां खड़ी करके
आप लोगों को बताया था, हम यहाँ पहुँच चुके हैं बेनेगाल के अंदर। ये भी अल्बुफेरा का बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पॉइंट है। यहाँ पे इस समंदर के अंदर केव्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत से। तो चलें आपको चल के यहाँ से दिखाते हैं। केव्स तक जाने के लिए आपको या फिर शिप लेनी पड़ेगी, शिप या कोई कायक टाइप की चीज़, या फिर स्विम करके जाना पड़ेगा। जिंदगी से तैर के जाना चाहिए। तो हम लोग अभी जो है वो बेनेगल में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे सबसे खूबसूरत जो केव है, वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें या तो बोट करनी पड़ेगी या फिर वो नीचे कायक बोट सामने चल रही है, उसका टूर करना पड़ेगा। वो फिर आपको ऐसे अंदर से आगे से लेके जाते हैं केव के अंदर। तो कि यहाँ पे लेकिन हम ऊपर इसलिए आए हैं आपको दिखा सकें, यहाँ पे पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा सुराख है। पानी पिछले टाइम पर पानी यहाँ ऊपर तक होता होगा, तो ये नेचुरल सुराख बन गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। यहाँ पे इन लोगों ने ये फेंस लगा के इसको सिक्योर किया गया, तो ये लोग आगे जा रहे हैं। बहुत गहरा है अंदर से। तो ये वो मशहूर केव है जिसमें देखने के लिए हम यहाँ पे आज आए थे, लेकिन हम अंदर तो नहीं जा सके। अब बोट टूर का टाइम भी बहुत लेट हो गया है, तो इसीलिए अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से ड्रोन उड़ाने की। ड्रोन को अंदर लेके जाएंगे और ऊपर से आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा डेंजरस है यहाँ पे, सीगल बहुत ख़तरनाक है। पहले भी हमने कोशिश करी थी, कुछ सीगल ने जो है वो ड्रोन उड़ाने में दिया, लेकिन अब दोबारा कोशिश करते हैं और देखते हैं अंदर से। ओके,